इलाके में आए हैं, तो बोलो भारत। मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी, चुनाव के संयोजक पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चमनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ पदाधिकारी, नेता, निष्ठावान कार्यकर्ता, और आज संजय जी को अपना आशीर्वाद देने आई नई बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। विजयनाथ जी की पुण्य भूमि पर आप सबका मैं अभिनंदन और वंदन करती हूँ। संजू भैया, भैया ने जैसे कहा अमेठी का हिसाब बाकी है। संजय जी के बारे में जब देश की और मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा होती है तो लोग कहते हैं संजू भैया कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ठान ले तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो संजू भैया पूरा ना करे। सच कह रही हूँ कि नहीं कह रही? सच कह रही हूँ कि नहीं कह रही? एक चीज लेकिन संजू भैया नहीं कर पाए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिए लेकिन राहुल गांधी को नेता नहीं बना पाए। नहीं कह रही हूँ कि नहीं कह रही? अब एक संजय महाभारत में भी थे, युद्ध जब हो रहा था तो संजय के महाभारत में क्या भूमिका थी? जिस राजा को कुछ नहीं दिख रहा था उस राजा को बतला रहे थे कि राजा के पुत्र के माध्यम से जो पाप हुआ उसकी वजह से जो युद्ध हुआ उस युद्ध में राजा की और राजा के उस पुत्र की कौरव की क्या हालत है। सही बोल रहे हो, लेकिन ये कलयुग है। वहां पर तो संजय जी बता रहे थे राजा को कि कौरव की क्या हालत है, ये कलयुग है। यहाँ के संजय ने सोचा कि कौरवों के पास क्या काम है मेरा, मैं पांडवों की नीड पर आता हूँ और जनता का सेवक बनता हूँ। इस संकल्प के साथ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मात्र और मात्र राष्ट्र नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर का विकास जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्र के संपूर्ण विकास में कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं दिख पाएगा। इस संकल्प के साथ संजय पाठक आपके जनप्रतिनिधि बने आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से। संजू भैया ने कहा कि हम दीदी को देखना चाहते थे। अरे तुम नहीं जानते, मैं भी देखना चाहती थी कि वो कौन है जो साल 2007 से कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसने विधायक के नाते भारतीय जनता पार्टी में जो कोशिशों की उसके माध्यम से क्षेत्र की जनता कृतज्ञ है, आनंदित है, और आज इस जनता के माध्यम से इनकी प्रतिनिधि, इनकी दीदी बनकर कहती हूँ कि 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, संजू भैया को विधायक बनाएंगे और मध्य प्रदेश की पुण्य धरती पर कमल का फूल खिलाएंगे। आज आपके प्रतिनिधि, आपके प्रत्याशी ने बड़ी विनम्रता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, विविध रूप में भगवान की पुण्य मूर्ति की कैसे इसी पुण्य क्षेत्र में पूजा हो, मंदिर बने, इसका आपके सम्मुख ब्यौरा दिया। भक्ति के कई स्वरूप हैं, साधना के कई माध्यम हैं, लेकिन आज इस मंच पर मैं मात्र संजय पाठक का अभिनंदन नहीं करने आई बल्कि हर उस राम भक्त का भी अभिनंदन करने आई हूँ जिसने वर्षों वर्ष अपने धर्म के लिए धैर्य का परिचय दिया। हमारे समाज पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कटाक्ष हुआ। हमारे समाज को जाति के नाम पर छिन्न भिन्न करने का
वर्षों वर्ष करने का प्रयास किया, बार बार हमारे धर्म को आहत करने का प्रयास किया, लेकिन आज हर राम भक्त अभिनंदन का पात्र है जिसने ना संस्कार छोड़ा ना धैर्य छोड़ा। वो कांग्रेसी जो हमको ताना कसते थे कि मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, आज विजयनाथ की पुण्य भूमि से उनसे कहने आई हूँ, कान खोल कर सुन लो, मंदिर वही बना रहे हैं और अब तारीख भी बता रहे हैं। जब राम लल्ला विराजमान होंगे भव्य राम मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो हमारे कुछ वर्षों का संघर्ष नहीं, 500 साल का इंतजार है। हमारे पुरखे मिट गए लेकिन ना हमारा धर्म मिटा ना हमारा धैर्य मिटा। मैं आज भी याद करती हूं कि जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तब कांग्रेस का दुस्साहस ऐसा था कि उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज तक दे दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं, प्रभु की लीला देखो कि जिनके अस्तित्व को गांधी खानदान नकार रहा था, उस राम की लीला देखो, आज उसी खानदान के बच्चे मंदिर मंदिर भटक रहे हैं भक्तों का वोट मांगने के लिए। प्रभु की लीला देखो कि जिस राम सेतु के निर्माण से इनकार करता था गांधी खानदान, आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी पार्टी के नेता अब मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं मंदिर में हमें नहीं बुलाएंगे, कह रहे हैं ना। लेकिन हम राम भक्त मृदुभाषी हैं, छोटे दिल के नहीं है गांधी खानदान की तरह। हम तो कहते हैं अगर आस्था है तो आओ, आस्था है तो आओ, लेकिन इन आंखों से लल्ला को देखोगे जिसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कोर्ट में दस्तावेज तक दे दिया था। आज इस मंच पर मैं संजय पाठक के लिए वोट मांगने नहीं आई हूँ, संजय पाठक को जीत की बधाई देने आई हूँ। और आप सबसे कहने आई हूँ कि जिस क्षेत्र का, मेरे संसदीय क्षेत्र का संजय ने उल्लेख किया, उसका ये घिनौना सत्य था, 40 साल वहां एक खानदान ने राज किया, न वहां कलेक्टर का ऑफिस बना, न मेडिकल कॉलेज बना, न गरीब का घर बना, न गरीब के लिए शौचालय बना, न वहां पर जीवन में कभी गरीब किसान के लिए खाद की जैक तक उतरी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान का यह मानना है गरीब को गरीब रखोगे तो हमको वोट मिलेगा, गरीब सशक्त हो गया तो कांग्रेस को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आज आप सबसे कहने आए कि मेरा विश्वास है कि संजय भैया जीत रहे हैं, जीत की बधाई देने आई हूं, लेकिन आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को भाइयों को कहने आई हूं कि कांग्रेस के झांसे में मत आना, उनकी राजनीति समाज को बांटने, गरीब को प्रताड़ित करने की राजनीति है। हमारे देश में मुसीबत के वक्त हमारी सभ्यता हमारा संस्कार यह है कि हम किसी को भूखे पेट रात को सोने नहीं देते, अगर खाने को एक रोटी हो तो उसको भी आधी उसको खिला देते हैं जिसके पेट में भूख हो, यह हमारा संस्कार है। जब कोरोना आया तब नरेंद्र मोदी ने यह घोषित किया कि मैं देश की गरीब जनता को मुफ्त का राशन दूंगा, 80 करोड़ नागरिकों को 2.5 साल मुफ्त का राशन देने वाला नेता है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिल पर हाथ रखकर बोलिए
अगर कोरोना कांग्रेस के कार्यकाल में आई होती तो क्या गरीब तक 2.5 साल मुफ्त का अनाज पहुंचता? सच बताइए, पहुंचता? और अब मोदी कहते हैं कि आगामी 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों को, देश के एक एक गरीब को मुफ्त का राशन मिलेगा, तो कांग्रेस के नेता धमकाने लगे कि हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, मोदी के खिलाफ रपट दिखाएंगे। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से कहती हूँ आज, अरे दम है तो जाकर मोदी पर आक्रमण, वो शेर की औलाद है। गरीब का संरक्षण मोदी करता था, करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट देखो, नरेंद्र मोदी ने मात्र इतना कहा कि गरीब जनता को मैं आगामी 5 साल मुफ्त का राशन देता हूं, कांग्रेस को दुख हो गया। अरे बाप रे, अरे आप बताइए, अगर आपको कभी मौका मिले किसी गरीब को 5 साल मुफ्त राशन देने का, तो आप क्या वो पुण्य का काम नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो क्या कांग्रेस पार्टी को मोदी पर इस प्रकार का आक्रमण मात्र इसलिए करना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीब परिवारों को मुफ्त का राशन देना चाहता है? बना तो रहा हूं, दे रहा हूं ना। ये ऐसी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लाइव कहां कर रहा है? जो आज कहती है अपनी घोषणा में, हम सिलेंडर 500 का देंगे, यही कह रहे हैं ना ये भैया। 450 का शिवराज जी दे रहे हैं, डालती जाओ। अरे यार, तो मैं क्या क्या करूंगा, ये ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो कहती है हम 1000 रुपए देंगे बहनों को, 1250 तो शिवराज दे रहे हैं। ये ऐसी कांग्रेस पार्टी है जिसके खानदान में, दामाद में किसान की जमीन लूटी, और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत 1,25,000 लोगों को जमीन के, गरीबों को पट्टे बांटे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जिसके नेता छीके तो डॉक्टर दिखाने के लिए विदेश जाए। बीजेपी का नेतृत्व ऐसा कि देश में 10 करोड़ और मध्य प्रदेश में 3,62,00,000 आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरित कर 5,00,000 रुपए सालाना से मुफ्त का उपचार दिलाने वाली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जब विपदा की घड़ी में नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना का टीका लगाओ, तो कांग्रेस पार्टी बोली टीका विदेश से लाओ। इंपोर्टेड पार्टी, इंपोर्टेड वैक्सीन नहीं चलेगा। मोदी ने कहा हिंदुस्तान में इतना दम है कि हम वैक्सीन अपने देश में बनाएंगे, देश के साथ साथ 160 राज्यों को, राष्ट्रों को भी अपनी वैक्सीन दिलवाएंगे। मैं तो सब थी कि जब कोरोना आया, समाज का एक वर्ग एकजुट होने का प्रयास कर रहा था और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भले गरीब मौत के घाट उतर जाए लेकिन इंजेक्शन मत लगवाना। इसलिए संजय कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिन लोगों ने टीवी पर कांग्रेस के नेताओं ने नाटक किया कि मोदी का वैक्सीन मत लगाना, चुपचाप घर में जाकर मोदी वाला टीका लगाया है। इसलिए आज आपसे कहने आई हूँ, जिन्होंने प्रदेश को छला, देश को छला, ऐसी कांग्रेस पार्टी को इंजेक्शन लगाओ। 17 तारीख बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, संजय पाठक जिताओ और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाओ। मैं आनंदित हूं संजय जी कि हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है। किस्मत वाली होती है वो बहन जिसको एक भाई मिलता है जो माता पिता का सहारा बनता है और कन्यादान करवाता है। और आपका क्षेत्र तो डबल किस्मत के साथ आया है, भाई भी था, मामा भी था, कन्यादान हुआ बेटियों का। मामा ने तो पूरे प्रदेश में लगभग 6,10,000 बेटियां हैं, दिव्यांग हैं, निराश्रित हैं, उनके विवाह की व्यवस्था की, 55,000 रुपया हर ऐसी बिटिया को दिलवाया।
संजू भैया आपने कितनों का करवाया यहाँ पर कन्यादान? 24,000 बेटियों का कन्यादान कराने वाला भारत। और कांग्रेस क्या कहती है क्षेत्र में? कांग्रेस क्या कह रही है संजय पाठक के सामने? हाँ बदल दो। कांग्रेस वालों को जाके कोई बोलो बहने भाई नहीं बदलती हैं। बदलती है बहने भाई बदलती है क्या? भाई भाई बदलता है क्या? भाई भाई बदलता है? बड़े अपना सहारा बदलते हैं नहीं बदलते ना? तो जो लोग संजय को अपना मानते हैं वो 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं। संजय पाठक तो जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आए। संजू भैया लौटो दोबारा अमेठी, क्योंकि अमेठी से अयोध्या 50 किलोमीटर दूर है। और इस बार लौटो तो राम भक्तों के साथ लौटो, सही है? वैसे तो बहने ब्याही जाती है तो घर पर भाई आता नहीं है, लेकिन ये बहन वो है जो युद्ध की भूमि पर ऐसी उतरी जिस पर भाई संजय विराजमान था और वहां पर जाकर जीती जो कांग्रेस का गढ़ था। आज मैं आपसे कहने आई हूं कि आपका घर है, अब वो वहां आए रामलल्ला के दर्शन पाए। लेकिन उससे पहले 17 तारीख को कहां जाए? कौन सा बटन दबाए? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? पार्टी कौन सी? पार्टी कौन सी? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? राहुल तक आवाज नहीं गई। प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी कौन? संजय भैया। 17 तारीख को जाओ पोलिंग बूथ पर, कमल का बटन दबाओ, संजू भैया को जिताओ, मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलाओ, उसके बाद राम भक्तों अयोध्या आओ। अयोध्या मंदिर कौन बनवा रहे? मंदिर कौन बनवा रहे? मंदिर कौन बनवा रहे? राम भक्त मंदिर बना रहे हैं, राम लल्ला आ रहे हैं, भव्य मंदिर वही बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं। 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, संजू भैया को जिताओ, तत्पश्चात राम लल्ला के दर्शन करने आओ। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।